नमस्कार, इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज कानपुर। कानपुर एसएसपी अनंत देव तिवारी ने बताया कि 12 अगस्त को बकरीद और सावन के महीने का अंतिम सोमवार है। यहां पुलिस की लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है। सोमवार को श्री भक्त भगवान शंकर पर जल चढ़ाने मंदिरों में जाएंगे और नमाजी लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में जाएंगे। बकरीद त्याग और बलिदान का पर्व है, जिसको संपन्न करने के लिए कुर्बानी स्थलों पर लोग जाएंगे। उस दिन दोनों समुदाय के लोग भारी संख्या में सुबह से शाम तक सड़कों पर होंगे। इस पर्व पर ऐसा कोई माहौल ना हो जिसके लिए जहां पर समस्याएं हैं उस स्थान को चिन्हित करने के लिए सभी थाना क्षेत्रों के थाना अध्यक्ष, एसीएम, सर्किल इंचार्ज व नगर निगम के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इंडिया टाइम्स संवाददाता सचिन अग्नोत्री की खास रिपोर्ट। उनको चिन्हित किया गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार 77 छात्र कुल आए हैं, जो कि कल्याणपुर के ये महाराणा प्रताप कॉलेज में हैं, SBTU में हैं, IIT में हैं। उन सभी के वो सभी लोग कैंपस में जा रहे हैं। उनके वार्डन, उनके जो भी प्रक्टोरियल बोर्ड है, उनके प्रिंसिपल, उन सबसे बातचीत करके और उनके बच्चों के बीच में जा करके वहाँ पर बात कर ली गई है कि इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कोई अगर अनटॉर्ड इंसिडेंट होता है तो वैसी दशा में डायल 100 के लिए प्लस स्थानीय पुलिस वालों के नंबर भी उनको दे दिए गए हैं, ताकि वो उनके संपर्क में रहें और किसी तरह की उनको कोई समस्या ना हो। वैसे पूरे कानपुर नगर में ही और पूरा प्रदेश ही अलर्ट पर है और ये कल से लगातार, कल और परसों से कहीं पर कोई अनटॉर्ड इंसिडेंट यहाँ पर न हुआ है और ना ऐसी कोई विरोध प्रदर्शन भी नहीं आया है, बल्कि खुशी का इजहार करने वाले जरूर कुछ लोग सामने आए हैं। उनको भी हम लोगों ने इस तरीके से बताया, समझाया है कि अपने खुशी का इजहार ऐसे करें कि दूसरे की भावनाएं इसमें किसी प्रकार से आहत करने वाली बात कोई ना हो, कोई ऐसा नारा ना हो, कोई ऐसी बात जाहिराना तौर पर और खुले तौर पर न कही जाए। तो इसके लिए भी हम लोगों ने उन लोगों से बात किया है कि अगर अपनी खुशी का इजहार करें तो भी सीमित दायरे में अनुशासित तरीके से करें, और वही कुछ लगभग हो रहा है। हमारे कानपुर नगर में किसी भी तरह की कश्मीर समस्या और 370 के उन्मूलन के पश्चात से कोई किसी भी प्रकार की समस्या कानपुर नगर में कानून व्यवस्था की अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। स्टेट ने सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग किया है। हमने एक CO और SDM लेवल पर की एक और नगर निगम केस्को और जल निगम, इन सब के साथ एक टीम बना करके पूरा अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग सर्वे कर रहे हैं। वो 3 दिन में इसके बारे में रिपोर्ट देंगे कि कहां पर क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या व्यवस्था की जानी है, और पुलिस डिप्लॉयमेंट के संबंध में पैरामिलिट्री फोर्सेज भी दी गई हैं, PAC की व्यवस्था भी की जा रही है और पुलिस डिप्लॉयमेंट भी अच्छे से किया जाएगा। तो एक तरफ तो पूरी पुलिस व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था जो की जानी है वो की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग शहर के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो एस्टेन लोग हैं, जो संभ्रांत पुलिस मित्र लोग हैं, जो हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, जो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं, उन सब की मीटिंग भी हमारे थानाध्यक्ष लेवल पर, SP लेवल पर और मेरे स्तर पर पूरे जनपद में की जा रही है। उन पर जाकर के हम लोग लोगों से यही वार्ता कर रहे हैं कि सबसे पहले अपने बीच के जो भी ऐसे चुनौतीपूर्ण स्थान हैं, अगर हो सकते हैं, जहां पर मंदिर मस्जिद साथ साथ हों, जहां पर नमाजियों और श्रद्धालुओं के आने जाने के रास्ते एक हों उस दिन, क्योंकि एक ही दिन दोनों त्यौहार एक ही समयावधि में होंगे, तो उस समय सभी ये जिम्मेदार लोग रोड पर खड़े रहेंगे और दोनों पक्षों के जो SDM मित्र हैं हमारे रोड पर रहेंगे, हमारे पुलिस वालों के साथ रहेंगे और जो एहतियात बरतने हैं कि जैसे डिस्पोजल जो भी आएगा, जो वेस्ट का डिस्पोजल अच्छे तरीके से हो, गहरे गड्ढे में खोद करके गाड़ कर किया जाए, मांस वगैरह ले जाने में ढक कर के ले जाएं, जहां पर कुर्बानी का स्थल हो उसको चारों ओर से ढक दिया जाए। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने कोशिश की है कि मस्जिदों के माध्यम से भी ऐलान करा करके और सभी जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके बीच तक ये बात जाए, और ऐसे ही हिंदू पक्ष के लोगों को भी हम लोग उनको भी ये चीज़ कह रहे हैं कि कहीं चूँकि त्यौहार ये उनका होगा, कोई अगर कहीं थोड़ी मोड़ी बात कहीं अगर अचानक हो जाती है तो उसमें संयम का परिचय दें, सहनशीलता का परिचय दें, धैर्य का परिचय दें।